दोस्तों, हम ENT यानी कि ईयर नोज थ्रोट को कान नाक गला के नाम से भी जानते हैं। आपको बता दें कि ये एक तरह का ऑटोलैरिंगोलॉजी चिकित्सा की शाखा मानी जाती है, जिसके तहत आप आसानी से अपने कान नाक और गले के विकारों की पहचान और उपचार करा सकते हैं। दोस्तों, एक ENT ईयर नोज थ्रोट का डॉक्टर जो होता है वो विभिन्न विभिन्न प्रकार की बीमारियों का इलाज करता है, जिनमें से कानों में संक्रमण, चक्कर आना, टॉन्सिल्स और अन्य तरह की समस्याएं शामिल हैं। इस तरह की चिकित्सा को एक ऐसा क्षेत्र माना जाता है जो कान नाक और शरीर के कुछ हिस्सों से को ये कवर करता है। सिर और गर्दन की सर्जरी को हमेशा जो है विशेष माना जाता है। जिन भी लोगों को कान नाक और गले में से संबंधित कोई बीमारी है तो आप एक ENT डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं और जो आपको सही सलाह देकर आपके रोगों का निदान करते हैं। एक ENT और किन किन बीमारियों का इलाज करते हैं हम इनको ज़रा देखते हैं। अगर निगलने में कठिनाई हो रही हो, गला में कुछ फंसा फंसा सा लग रहा हो, तो अगर ऐसा इस तरह का रोग है तो इसके लिए जो है आप एक ENT की सलाह ले सकते हैं, उससे आप संपर्क कर सकते हैं। फीवर जैसी एलर्जी जो है अगर है आपको, तो इसके लिए भी आप एक ENT की सलाह ले सकते हैं और उसे संपर्क कर सकते हैं। यदि कान में कोई विकार हो गया और कान में कोई संक्रमण है तो इसके लिए तो ENT है ही, और इसके लिए जो आप ENT से संपर्क कर सकते हैं। यदि भाषण विकार हो गया, जैसे कि आवाज़ दब गया हो, गला बैठ गया हो और आवाज़ नहीं निकल रहा हो, तो उसके लिए जो है आप एक ENT से संपर्क कर सकते हैं। इसका भी इलाज जो है एक ENT करेगा। उसके बाद जो है कान नाक और मुंह में जो है ट्यूमर अगर इस तरह का होता है तो ये भी जो है एक ENT के अंडर में आता है, और आप एक अच्छे ENT से संपर्क करके इस बीमारी का जो है निदान करवा सकते हैं। इसी तरह से किसी तरह की जन्मजात समस्याएं हैं, जैसे बहरापन हो गया, बोलने की समस्या हो गई, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स भी जो है ENT के अंडर में आते हैं और ENT इस ही इन रोगों का निदान करते हैं। दोस्तों, आज एक ENT डॉक्टर्स के बारे में जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आज अधिकतर लोगों को जो है साइटाइसिस जैसी समस्या का जो है से सामना करना पड़ रहा है, और ये विकार जो है बढ़ता ही जा रहा है, जो कि दिन प्रतिदिन एक प्रमुख मुद्दा जो है बनता जा रहा है। जहां आपको ENT के तहत सही उपचार प्राप्त होगा और आप आसानी से अपनी परेशानियों का निवारण कर सकते हैं। नाक के कुछ और समस्याएं हैं, उनको भी जाना ज़रूरी है। एक तो जो मैंने अभी बताया साइटाइसिस, और नाक में चोट, नाक का ट्यूमर, बच्चों में गंध की भावना जो है का विकार होता है, नासिका संबंध अवरोध, इस तरह की जो समस्याएं अगर आती हैं तो इसके लिए भी आप जो है एक ENT डॉक्टर से जो है सलाह ले सकते हैं, उनके संपर्क में आ सकते हैं और अपने जो है इन नाक के रोगों का आप इलाज करवा सकते हैं। अब चलिए जानते हैं कि गला के रोग क्या क्या हो सकते हैं और उनके लिए जो है उनमें किन रोगों के लिए हम ENT डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, ये भी जो है हमारे लिए जानना जो है ज़रूरी है, जिसकी मदद से हम सांस लेने में ये या किसी चीज़ का निगलने में जो है आसानी महसूस करते हैं। यदि आपको इससे जुड़ी कुछ समस्या है तो आपको ENT के तहत पूर्ण उपचार किया जाता है। गले की स्थितियों में शामिल है आपका स्वर बैठना, निगलने की समस्या,
सांस लेने में कठिनाई होना, नींद के दौरान सांस का रुक जाना, गले में खिचखिच होना, टॉन्सिल्स का बढ़ जाना, थायराइड की समस्या हो गई, इस तरह के प्रॉब्लम्स का जो है निदान के लिए हमें जो है एक ईएनटी डॉक्टर की सलाह लेनी ज़रूरी है। और एक अच्छे ईएनटी डॉक्टर से संपर्क करके हम इन सारे जो विकारों का, इन सारी परेशानियों का निदान करवा सकते हैं। तो आज का वीडियो इसी विषय पर है कि रांची शहर के 3 बेस्ट ईएनटी डॉक्टर्स कौन कौन हैं, आज इसी पर बात करेंगे। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमारा वीडियो आपको यूज़फुल लगता है, अच्छा लगता है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि रांची शहर में कौन कौन 3 बेस्ट ईएनटी डॉक्टर्स अवेलेबल हैं जो हमारे इन समस्याओं का निदान कर सकते हैं। अभी आप देख रहे थे 3 बेस्ट ईएनटी डॉक्टर्स इन रांची। आशा करता हूँ कि ये वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा होगा और ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा अपनी राय। तो दोस्तों, अपना वीडियो आज का यहीं समाप्त करता हूँ, और कामना करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें। इन्हीं बातों के साथ अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।